बहुचर्चित नान घोटाले की जांच के दौरान गवाह गिरीश शर्मा के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये खबर सामने आई कि 30 मई को ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए घोटाले से जुड़े गवाह गिरीश शर्मा, चिंतामणि चंद्राकर और के बारिक को बुलाया था। इस दौरान गिरीश शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि वो तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के कहने पर ही डायरी में एंट्री करता था। इस बयान को ईओडब्ल्यू ने खारिज कर दिया। ईओडब्ल्यू ने कहा है कि गिरीश शर्मा को बुलाया जरूर गया था लेकिन उससे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गई। ऐसे में मीडिया में कह दिया गया कि उसका ये बयान संदिग्ध है। ईओडब्ल्यू के एसपी कल्याण एल ए सेला ने बताया है कि नान घोटाला मामले में जुड़े अहम सवालों के जवाब के लिए गिरीश शर्मा, चिंतामणि चंद्राकर और के बारिक को बुलाया गया था। के बारिक को छोड़कर दोनों गवाह आए थे। चूंकि बारिक 2 जून तक छुट्टी पर है लिहाजा वो नहीं आए। चूंकि क्रॉस एग्जामिन किया जाना था लिहाजा तीनों गवाह की मौजूदगी जरूरी थी, इसलिए 3 जून की तारीख तय करने के बाद गिरीश शर्मा और चिंतामणि चंद्राकर को लौटा दिया गया। तीनों को 3 तारीख का डेट देकर वापस भेजा गया है। क्योंकि तीनों को एक साथ हमें क्वेश्चन करना था कुछ डायरीज में एंट्रीज के संबंध में, हम लोगों ने तीनों को बुलाया है लेकिन क्योंकि बारिक नहीं आ पाया तो हम 3 तारीख की डेट देकर उनको भेजा गया है।